आज हम लोग बात करेंगे एक और नई दवा के बारे में जो कि बालों के लिए होती है, हेयर लॉस के लिए। और कई बार क्या होता है, हेयर लाइन के पास छोटे छोटे बाल आ जाते हैं लेकिन वो हमेशा पतले बने रहते हैं, वेलस हेयर बोलते हैं इसको, और ये थिक नहीं होते, कभी बढ़ते ही नहीं। या कुछ लोगों के सर में बाल तो आ जाते हैं लेकिन वो बढ़ते नहीं, बहुत महीनों तक जो है वो बहुत धीमी ग्रोथ होती है। तो एक नई दवा है जिसपे साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे हैं और बहुत जल्दी ये हो सकता है कि मार्केट में आ जाए, और इसका नाम है लेटेनोप्रास्ट। ये एक प्रोस्टेनॉइड रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन एक प्रकार के केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे ब्लड सेल्स जो है वो रिलीज करती हैं, वाइट ब्लड सेल्स, और उसी से मिलते जुलते रिसेप्टर होते हैं उसे बोलते हैं प्रोस्टेनॉइड रिसेप्टर। और इन रिसेप्टर पे बिल्कुल उसी प्रोस्टेनॉइड जैसे काम करने वाले मॉलिक्यूल को बोलते हैं प्रोस्टेनॉइड रिसेप्टर एगोनिस्ट। और ये पाया गया कि ये दवा यूज़ की जाती थी ग्लोकोमा में, आँखों की प्रॉब्लम में, लेकिन पाया गया कि इसमें बाल जो है ज़्यादा हो जाते हैं, आई लैशेस के भी बाल ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसकी आई लैशेस की मेडिसिन बनाई गई जिससे आई लैशेस लंबे हो। बीमेटोप्रास्ट है जो कि आई लैशेस के लिए है, मार्केट में अवेलेबल, लेकिन लेटेनोप्रास्ट अभी बालों के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी ये मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। टॉपिकल सॉल्यूशन रहेगा, 500 माइक्रोग्राम पर एमएल लेटेनोप्रास्ट रहेगा उसमें, और इससे जो बारीक हेयर आपके हैं जो बहुत दिनों से बढ़ नहीं रहे थे वो थोड़े थोड़े थिक होना शुरू होंगे। तो वेट कीजिए, अभी तक ये इंडियन मार्केट में आया नहीं है, लेकिन हम लोग इन दुनिया भर में हो रहे सारे रिसर्चेस पे नज़र रखते हैं। कोई भी कहीं भी साइंटिफिक स्टडी पब्लिश होती है हेयर से रिलेटेड, जहाँ नई दवा के बारे में कुछ हमें जानकारी मिलती है, तो हम उसे तुरंत अपनी मेडिसिन की लिस्ट में शामिल करते हैं। तो ये वीडियो था बालों की नई दवा लेटेनोप्रास्ट के बारे में।